हेलो स्टूडेंट्स, इंटेक्स क्वेश्चन 1.4 चैप्टर 1 सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 केजी ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखो तो हमारे पास 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 0.25 मोलर सॉल्यूशन मींस solute dissolved in 1 kg of solvent। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं यूरिया के? 0.25 मोल्स, ठीक है। तो 0.25 मोल्स हमारे पास यूरिया के मोल्स हैं, तो इसका मास कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो डब्ल्यू बी होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। अब मोलर मास ऑफ यूरिया अगर हम निकालें तो नाइट्रोजन 2 है तो 2 × 14, हाइड्रोजन 4 है तो 4 × 1, ऑक्सीजन 1 है 16 × 1 और कार्बन 12 × 1, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 14। तो 28 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो 0.25 इंटू 60, 25 6 होता है 150, मतलब 15 ग्राम हमारा यूरिया होगा 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अगर हम बात करें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो वो होगा 1000 ग्राम तो हमारा सॉल्वेंट है, 15 ग्राम हमारा इसमें यूरिया डाला है, मतलब 1015 ग्राम, ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन का मास होगा। तो हम लिखेंगे इन 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट इज 15 ग्राम। तो इन 2.5 केजी में पूछा है, तो 2.5 केजी मतलब 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट इज 15 इंटू 2500 डिवाइड बाय 1015, ठीक है। इसको काटते हैं, 5 2 5 3 15, जीरो लगाएंगे क्योंकि 5 से 1 कटता नहीं है, तो 15 उतारेंगे तो जीरो लगाना पड़ेगा, 5 3 15, ठीक है। 203 को हम 2500 से डिवाइड करके देखते हैं, 2500 203 1 203, कितना बचेगा 47, 470 हो जाएगा। फिर 203 2 जा, ठीक है, ये हो जाएगा 406, तो 10 में 6 गए 4, ये हो जाएगा 64, पॉइंट लगाएंगे जीरो हो जाएगा। 203 3 जा, ठीक है, 609, तो ये हो जाएगा 31, ठीक है, 310, तो 12.31 कुछ आएगा, तो 3 × 12.31, तो 3 1 3 3 3 9, 3 2 6 और 3 1 3, 36.93 ग्राम, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 37 ग्राम। तो 37 ग्राम हम यूरिया डिजोल्व करेंगे 2.5 केजी सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना।